बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस की जिम्मेदारी सीबीआई को मिल गई है। अब मामले में कड़ी तहकीकात होने की उम्मीद है। अब सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों और अन्य के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ ही एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ था जब सुशांत की पर्सनल डायरी सामने आई थी, जिसमें वो अपने निजी अनुभव लिखते थे। लेकिन हैरानी तब ज्यादा हुई जब डायरी के कुछ पन्ने गायब मिले, जिसके बाद राज न खुलने के डर से जानबूझकर पन्ने फाड़े गए हैं, ऐसा जिक्र किया जा रहा था। डायरी के पेज को लेकर पूछताछ की ही जा रही थी कि ऐसे में रिया चक्रवर्ती ने अपनी डायरी के कुछ पेजेस जारी किए हैं, जिसमें सुशांत ने रिया और उनके परिवार के लिए कुछ बातें लिखी थी। रिया ने अपने वकील के कहने पर अपनी नोटबुक के पेज को साझा किया है, जिसमें सुशांत ने रिया के लिए नोट लिखा था। पेज जारी करते वक्त रिया ने कहा कि सुशांत की संपत्ति के नाम पर मेरे पास सिर्फ यही एक नोटबुक है। अपनी डायरी के पेज पर रिया सुशांत की ही हैंडराइटिंग होने का दावा कर रही है। सुशांत की डायरी के कुछ पन्ने गायब होने के बाद रिया का अपनी डायरी के पेज लेकर हाजिर हो जाना कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। ईडी को, सीबीआई को तलाश है सुशांत की उस डायरी के पन्नों की, जिसमें वो अपनी निजी जिंदगी साझा करते थे। इन्वेस्टिगेशन टीम को जरूरत होगी तो वो रिया की डायरी को देख ही लेगी, ये भी पता लगा लेगी कि आखिर सुशांत रिया के लिए उस डायरी में क्या लिखा था क्या नहीं। लेकिन रिया ने अपनी डायरी को अपने वकील के जरिए जारी करवा दिया। देखते हैं रिया इस डायरी के पन्ने से क्या साबित करना चाहती है।